मिर्जापुर हरिया थाना क्षेत्र के देवहटी ग्राम निवासिनी विधवा महिला बुधनी ने अपने नाबालिग पुत्र का अपहरण कर 24 बिस्वा जमीन जबरन लिखवाने की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। कहा है कि उसका अपहरण और पिटाई करने के बाद महेशपुर में बेटे को इंजेक्शन लगाया गया, वहीं पर उसकी बेहोशी की हालत में जमीन लिखवाई गई। होश में आने पर जमीन लिखने की जानकारी दी और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। एसपी दरबार में अपने नाबालिग पुत्र के साथ पहुंची महिला ने अपनी जान माल की रक्षा की गुहार लगाई है। बुधनी ने सौंपे पत्र में कहा है कि अप्रैल माह में उसके बेटे का अपहरण करके प्रयागराज ले जाया गया, उसे वहां बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उसके साथ मारपीट की गई, डरा धमका कर उसे महेशपुर गांव में ले जाया गया। वहां नशे का इंजेक्शन लगाकर उप निबंधक कर्मचारियों की मिली भगत से नाबालिग बेटे से 1 बीघा 4 बिस्वा जमीन लिखवा लिया गया। कागज पर उस जमीन का कीमत 10 लाख रुपए लिखा गया है। करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों ने जबरन रजिस्ट्री कराने के बाद बेटे को उसके गाँव अपनी मंशा पूरी होने पर छोड़ गए। जमीन लिख देने की बात कहते हुए 1.5 लाख रुपए भी दिए गए। इस बाबत जमीन बेचने से इनकार किए जाने पर जान से मारने की धमकी दी, लिहाजा नाबालिग बेटे के साथ अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए स्थानीय थाने पर गई। वहां सुनवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मैं आपका प्रसाद, कहाँ के रहने वाले? देवर के। तो आप यहाँ आए हैं पुलिस अधीक्षक, यहाँ क्या क्या हुआ? हमारी जमीन लिखवा लिया है, वो भी 1 महीना पहले के निकला है। कौन लिखवा लिया? जगदीर। क्यों? अभी हमके ऊपर करके बनाया, मेटल बनाया हमारी हमारे, अभी हमके खून वाली सुई लगवा कर नशा वाली हमके लेके आए हैं। पप्पू खान घर में मैं पूरा लिखवाया है जमीन, हमारी धमकी दिया है जमीन के लिए, कहीं नहीं लिखेगा तुमको जान से मार देगा। कब ले गए थे आप? हमके 1 महीना के अंदर ले गया है, गायब है, जोरा जोरा लिया गया इलाहाबाद के लगे, वहाँ से लिया तीन नहीं जाए दिख रहे घरे, हम के कहीं घरे जा रहे हैं तो फिर जान से मार देते। तो आप कैसे आए वहाँ से? वहाँ से वो भी साथ ही आया इलाहाबाद से जाएगा, फिर यहाँ आए पप्पू खान के घरे लिखवाए मैं पूरा। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।